फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। ये हुई है कल नाइट की बारिश से डिस्ट्रक्शन। बस पकड़ी 10 बजे एंड हम बढ़िया क्यों नहीं करते, साइकिलिंग किया करो। और मुझे कौन सी चीज है जो हर बार टूट जाती है? ये देखो सेब का वाटर है, ये लोगों ने रखा हमने क्योंकि आपके माइंड। यहाँ पर कड़ाके की धूप हो जाएगी कल शाम को, बारिश के पड़ के सारा मूड खराब कर दिया। आज धूप होगी देख लो बादल, बट चमक रहे हैं। साइकिल हो चुकी है सेट, सर का भी बैकपैक हो चुका है सेट, एंड अब प्लान मोड से चेंज है। ऊपर तक 4 किलोमीटर बाद जाएंगे, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर हमें ट्रक मिलेगा, फिर हम जाएंगे मोरनी हिल्स। कि हमारा होटल का खर्चा कितना आ गया, ठीक है, हमारा है खाना रिजॉर्ट बाय बाय, एंड वी आर अप्रोचिंग। फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। तो यहाँ पर भी मैं सेट हो चुका हूँ, ये देखो, एंड ये भी सेट कर लिया, एंड भी गोबर को केस डालना रह गया बस, ताकि ये भी वाटर प्रूफ हो जाए, ताकि वाटर में भी वीडियो बन सके, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। सेट हो चुका है, बस निकलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दोस्तों अभी तो इतनी यार बारिश पड़ रही थी और अब धूप, उतार दिया मैंने जो पहना था। अभी साइकिल ऐसे लेके जा रहे हो कि सिंगल स्पीड है ना, देन नॉट पॉसिबल इन हिल्स। दी ब्यूटी, वाओ 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 वाओ। और ये हुई है कल नाइट की बारिश से डिस्ट्रक्शन। वी हैव टू गो एट दिस एंड लेट्स हैव टू लेट्स एट दिस, एंड बारिश का तो कुछ नाम ही नहीं है अभी यार दिमाग। तो दोस्तों अभी हम खाने के लिए रुके हैं और भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, एंड ये है अंडा करवाया है और मैंने एक मैगी भी करवाई है, 4 ब्रेड के भी एक्स्ट्रा मिले हैं, तो बढ़िया है। ये चाय भी करवाई है। ये हुआ है क्योंकि जैसे कि बारिश पड़ी थी, ऊपर से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एंड ओह भाई साहब व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ वांट टू क्लिक फोटो एट हियर। तो देखो यार पीछे का, ऐसे को देखने के लिए कुछ भी करना पड़ता है यार, आपको भी करना पड़ेगा, क्यों नहीं करते, साइकिलिंग किया करो। और मुझे पोस्ट में टैग कर दिया करो इंस्टाग्राम में, ताकि मैं समझ जाऊँ आप साइकिलिंग करते हो, नहीं तो यार बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ और साइकिलिंग नहीं करते। प्लीज़ साइकिलिंग किया करो, प्लीज़ 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 प्लीज़, फिटनेस के लिए इंजॉयमेंट करो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि इतनी फिटनेस होती है। आपसे छोटा हूँ मैं, लेकिन एक्सपीरियंस हो चुका है इतना थोड़ा सा, ठीक है, बुरा मत मानना। साइकिलिंग प्लीज़ करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके लिए मेहनत करता हूँ आपका भाई, प्लीज़ सपोर्ट मी। टोल प्लाजा से डर लगता है, वो इसीलिए कि ये गलती से या जानबूझकर साइकिल वालों पर ना लगा दे फाइन। तो दोस्तों भी साइकिल हमारे रहे यहाँ ऐसे खड़े हैं बुरी हालत में, और अभी हम यहाँ पर ट्रक या कोई बस है या कोई पिकअप ट्रक फाइंड कर रहे हैं।
जिससे हम पंजाब वापस जा सकें। तो लाइट के चौक पर हैं तो होप यहाँ पर मिल जाए। मिला मिला फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे थे ऐसे ही बताया ट्रक या बस वगैरह फाइंड कर रहे हैं। हिमाचल कह रहे हैं सर, आपका नेम? कृष्ण लाल मित्तल। ये चंडीगढ़ से हैं, साइकिलिस्ट हैं। साइकिलिस्ट हैं भाई, अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, मिलकर अच्छा लगा। बाकी सर आपकी इसी से लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस राइडर हो गए, तो कुछ साइकिलिंग के बारे में एक्सपीरियंस आपका कुछ खास? साइकिलिंग के बारे में क्या है, आपका करते रहो, एक्सरसाइज करो, साइकिल चलाते रहो, तंदुरुस्त रहो। और ये देखो सेब का बॉर्डर है, ये लोकल का रखा हमने। जब भी साइकिल चलाते हैं तो क्योंकि पानी की सेविंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं एक बोतल पानी की वेस्ट नहीं करता। मुझे बहुत बुरा लगता है, दूध का ग्लास गिर जाए उतना मेरे को तकलीफ नहीं होती जितना पानी वेस्ट जाने से होती है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पानी बहुत कीमती है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, तो हम इतना पानी वेस्ट कर जाते हैं बोतलों में। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पानी की एक एक बोतल की बचाव करो। पानी है तो जीवन है, पानी है पौधे हैं, पानी है ऑक्सीजन है। मेन बात हम कह दो कि फ्यूचर सेविंग के लिए साइकिलिंग, फ्यूचर के लिए साइकिलिंग करनी चाहिए। तंदुरुस्त रहो और पानी की आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और होपफुली हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम भी। थैंक यू सर। आपको सुख शांति दे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। आपको ऐसी तंदुरुस्ती लगे, सदा खुश रहे आप। थैंक यू। लोगों को अच्छा मैसेज दे। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, पहले वीडियो अच्छी ऐसे देख लिया करो, फिर आप बाद में मेरे को क्या सोचते हो कि वीडियो में समझ ही नहीं आया कुछ। वो बताता क्यों, क्योंकि साइकिल तो पता ही है क्या हाल हुआ साइकिल का, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट नगर गए अपना पंचकुला में, उसके बाद हम रेलवे स्टेशन गए ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर गए हम अपना कोई ट्रक फाइंड करने के लिए, हमें लुधियाना छोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। फिर बस स्टैंड एट दी लास्ट रात के 10 बजे हम गए बस स्टैंड। जाना ही जब बस स्टैंड तो बाकी जगह पर क्यों घूमा, इधर खुजली हुई थी, मन के अंदर खुजली हुई थी, कलेजे के अंदर खुजली हुई थी कि जाकर एक बार देखते क्या होता है। ट्रेन का भी न्यूज नहीं था, ट्रांसपोर्ट नगर जाकर ट्रक का भी न्यूज नहीं था। रेलवे स्टेशन की रात की थी 10 बजे की ट्रेन, वहां वहां से तब नहीं जा पाए। एंड ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक आज बंद थे, संडे का दिन था, सब कुछ बंद था, आज मार्केट तो बंद था वो भी। एंड अभी आप देख रहे हो ये साइकिल ठीक हो चुकी है, ठीक है। ये साइकिल ठीक कैसे हो चुकी है, ये तो रिकॉर्डिंग चलो बहुत देर के बाद हो रही है। अब से मैंने दोस्तों अपने पास एक स्पेयर हैंगर ले लिया मैंने, क्योंकि आपके माइंड में ये जरूर आ पा होगा कि ये कौन सी चीज है जो हर बार टूट जाती है। दिस ये पीस है जो टूट जाता है, 100 रुपए का पीस है। साइकिल पर लग चुका है और एक मैंने स्पेयर लेके रख देगा कि राइड पर इसके मैं 4 ले लूंगा ज्यादा, ठीक है। अभी दो से 2 लेकर आया हूँ, 100 रुपीज का पड़ा है, ठीक है। बस पकड़ी 10 बजे एंड हम 1 बजे लुधियाना पहुंचे, 3 घंटे में। रास्ते में 2 जगह रुकी हुई थी हम, मतलब कह रहे 5 बजे पहुंचने से गए, रात को 1 बजे पहुंचे। गुड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम समथिंग बैड, रियली बैड एक्सपीरियंस। हमने बैड एक्सपीरियंस किया, हमें कुछ अच्छा समझ आया कि आगे से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना लगा 1000 रुपीज मैंने लिए, 1000 रुपीज गौरव ने लिए, 2000 हो गए हमारे पास। 2000 में से कह लो कि 500 चला गया हमारा होटल में, 500 चला गया हमारा बस में, एंड बचा हमारे पास 1000 का हमने किया जो खाने पीने का था खर्चा। जैसे हम जितना भी हमारा खाने पीने का था वो 1000 रुपीज में होगा, बाकी जो एक्सटर्नल चार्जेस है साइकिल वगैरह रिपेयर करवाने कुछ हो गया तो वो भी हमारा बीच में होगा था, हमारा 2000 ट्रिप होगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, ट्रिप लगानी हो बस 1000 रुपीज लगेंगे सिंगल पर्सन के, अकेले विमान जाने पहली बात तो 1 पर्सन के साथ मिलकर जाना चाहिए, कोई दोस्त बड़ा भाई पापा हो कोई भी हो, ठीक है। तो 1 पर्सन के जाने का इवेंट होता है, कभी मेडिकल इशू होगा तो आपको मतलब मिल जाएगा साथ के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं पर भी जाओ वहाँ की पूरी रिसर्च करके जाओ कि वो लोकेशन कैसी है, हमने कहाँ पर नाइट कैंप लगाना है, और वहाँ की कह लो पुलिस या गवर्नमेंट से एक बार कोई मेल करके या कोई मैसेज करके, मोबाइल सबके पास होगा, मेल या मैसेज करके कोई पूछ लो उनसे कि कोई इशू तो नहीं ऐसा, या उधर के लोकल से या होटल वालों को बोला पूछ लो कि हमने ऐसे आना है, हमने कैंपिंग करनी है, हमारा ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है तो हमने होटल पर स्पेंड नहीं करना। बट हमें ये बात हमें बढ़िया मिल गई कि हमें होटल बढ़िया रेट पर मिल गया, हमें होटल बढ़िया रेट पर इसलिए मिल गया क्योंकि कह रहे हो कि वहाँ पर लोग सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, तभी हमें 500 रुपये का ऑर्डर मिल गया, बढ़िया था रूम भी, बढ़िया था, रात सोने का चाहिए था क्या 5-6 घंटे सोना था, लेकिन गौरव सर 11 बजे उठे क्योंकि उनके 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं थी, मेरी भी नहीं पूरी थी। यूट्यूब बस लाइव ग्रो एडिटिंग करनी है सारी रात, ये बात है एडिटिंग करनी होती है। तो इसी नोटिस पर आपको भाई इतनी मेहनत करते, तो कर दो वीडियो को खत्म, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो, न्यू कॉन्टेंट है, न्यू फीड का कॉन्टेंट है एंड बहुत मेहनत लगती है बनाना सब बताऊँ। तो बस करते थोड़े देर वीडियो को यहाँ पर, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन करना ताकि सारे नोटिस सबसे पहले आपको मिले। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, दिस इज बग्गा फिल्म, लव यू ऑल, गुड बाय।